हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक साइकिलिंग ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस में ब्लू होस्ट की मदद से। साथ साथ कैसे सेटअप और कस्टमाइजेशन करेंगे वो भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए हमें बहुत ही अच्छी होस्टिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैं आपको ब्लू होस्ट रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही ट्रस्टवर्थी वेबसाइट है इंडिया के अंदर, जो बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। साथ ही साथ wordpress.org खुद इसे रिकमेंड करते हैं। तो कुछ इस तरह का इनका इंटरफेस है वेबसाइट का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई भी प्लान परचेस करते हैं, तो होस्टिंग का प्लान परचेस करते हैं, तो आपको डोमेन है ना फ्री में अवेलेबल होता है। तो जैसे आप साइड में देख सकते हैं होस्टिंग बिल्ड फॉर वर्डप्रेस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे होस्ट योर साइट पे। तो यहाँ पर आपको इसके तीन प्लान अवेलेबल होते हैं मेनली, बेसिक प्लस और चॉइस प्लस। तो तीन प्लान आप इसमें चेक कर सकते हैं, 179, 279 और 279। जैसे आप तीन प्लान देख सकते हैं और इनके सर्वर भी आप चेक कर सकते हैं, US और इंडिया पे दोनों में अवेलेबल है। तो जो आपको सूटेबल लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। तो बेसिक प्लान में आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको वन वेबसाइट मिलती है और अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, और सबसे अच्छी बात यह इसमें आपको SSD स्टोरेज मिलती है, जो कि बहुत फास्ट एंड रिलायबल है, और 24/7 सपोर्ट आपको अवेलेबल होता है। तो इसमें हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और या क्रिएट न्यू डोमेन पर क्लिक करेंगे। चूँकि डोमेन यहाँ पर हमें फ्री में अवेलेबल होता है, तो आपको डोमेन का पेमेंट मतलब डोमेन आपको पेमेंट नहीं करना होता है, सिर्फ आपको होस्टिंग ही परचेज़ करनी होती है यहाँ से 1 ईयर के लिए। तो इसको हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और जो भी डिटेल है या फिल करके हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो बेसिक वेब होस्टिंग अगर आप 36 मंथ के लिए खरीदेंगे तो 79, और अगर आप 12 मंथ के लिए खरीदेंगे तो 299। 179 लगेगा अगर आप 3 ईयर के लिए इसको परचेस करेंगे। तो और सब करने के बाद आप देख सकते 3000 के समथिंग आपको पेमेंट करना होता है। बट अगर आप 3 ईयर के साथ प्लान के साथ जाते हैं तो आपको ओनली 6444 पे करना होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इसके प्लान को भी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया होगा अपने डोमेन पे और आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए होंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट मीडिया सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे पोस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके आप नया ब्लॉग या पोस्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं। और जैसे जो मीडिया लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप मीडिया कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर पेजेस में आप जाएंगे तो यहाँ नया पेज ऐड करना चाहते हैं आप, तो वो यहाँ से कर सकते हैं ऐड न्यू पर क्लिक करके। और अपीयरेंस में जाएंगे तो आप यहाँ नई थीम्स होती है वेबसाइट की, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और नीचे प्लगइन सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप नए टूल्स प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। आपको जो फर्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्लासिक एडिटर, इसी को हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। और एक सेकेंड हम SEO प्लगइन सर्च करेंगे, YOAST योस्ट, इसको भी हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। ये हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO करने के काम आता है मेनली। अब हम अपीयरेंस जाएंगे या ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और थीम यहाँ पर हम ऐड करेंगे एस्ट्रा ASTRA। और इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी थीम है। और होस्टिंग के लिए मैं आपको ब्लू होस्ट रिकमेंड करता हूँ, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब प्लगइन्स में हम ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे वापस ASTRA। या स्टार्टर टेम्पलेट नाम से एक प्लगइन आएगा, इसको भी हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो इसमें सी लाइब्रेरी हम क्लिक करेंगे। ये बिल्ड वेबसाइट पे हम एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इतने सारे हमारे पास फ्री टेम्पलेट अवेलेबल है रेडी टू यूज़, जिन्हें आप वन क्लिक में इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके बहुत ही अच्छे लेवल की वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। सारा डेमो कंटेंट आप, तो वैसे इसमें हम जैसे साइकिलिंग रिलेटेड हमें वेबसाइट चाहिए, तो इसलिए हम कोई ऐसी थीम देखेंगे जो साइकिल ई कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट हो।
आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमारे पास एक टेम्पलेट अवेलेबल है, इसको हम स्किप एंड कंटिन्यू क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, सबसे अच्छी बात यह है। तो इसमें आप मोबाइल में भी ये बहुत ही अच्छे से आपको शो होगी। तो स्किप एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेंगे या कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वापस। ये डाटा इंपोर्ट होना हमारा स्टार्ट हो गया है। 1 से 2 मिनट का इसमें आपको वेट लग सकता है, तो आपको वेट करना होगा इतना टाइम। अब कॉन्ग्रेचुलेशन, तो हमारा ये डाटा इंपोर्ट हो चुका है। अब व्यू और वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह की हमारी वेबसाइट है जो रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी थीम है, बहुत ही एलिगेंट है, आसानी से आप बना सकते हैं इस तरह की वेबसाइट। अब एडिट विद एलिमेंटर पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से हम अपने होम पेज को जो है वो एडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप क्लिक करेंगे तो बस के थ्रू आप एडिट कर सकते हैं। जैसे इस टेक्स्ट पे आप क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, इमेज पे क्लिक करके आप इमेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बटन है बाय नाउ का, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। शॉप नाउ लिख दिया जैसे हमने, और या फिर आप जो कोई पेज का कोई यूआरएल है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैं www.google.com डाल रहा हूँ। लाइट वेट 18 डिग्री फ्रेम, तो आप मतलब जो चाहे वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। न्यू अराइवल या फिर आप कोई डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ नई हेडिंग्स डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। एक्सप्लोर नाउ पे, इस पर भी आप जो चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं आसानी से। ये 6 डॉट पे हम क्लिक करके इसमें जैसे कोई इमेज है तो वो हम आसानी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे साइकिल की इमेज है तो उसने हम लगा दिया है, तो ये हमारी इमेज भी यहाँ से चेंज हो गया आसानी से। अब यहाँ पे जैसे ये ब्लॉक्स लिखे हुए इतने सारे, तो इन ब्लॉक्स को आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और इजी टू मतलब चेंज यूज़ है, तो आसानी से आप इसे यूज़ में ले सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यह एक्सप्लोर SSC है, तो आप अगर आपको नाम चेंज करना है, जैसे आपके अलग आप SSC बेचते हो या किसी जो साइकिलिंग के व्हील्स बेचते हो स्पेशल, तो आप उसकी व्हील्स की कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर सकते हो चाहो तो अलग से। बहुत आसान है वैसे इसको करना, सेट करना, कस्टमाइज करना। और इसमें आपको जो स्टार्टर टेम्पलेट होता है, बहुत सारे आपको फ्री में टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं जिन्हें आप यूज़ में लेकर बहुत ही अच्छी वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। और जो इन हैशटैग वो इको बाइकिंग, तो इसको आप जैसे कुछ अपना पर्सनलाइज हैशटैग है वो डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। और प्लस के निशान पर क्लिक करके आप नया अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं सेक्शन, तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें टेक्स्ट एडिटर है तो इसको मैं यूज़ में लूँगा, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे जो टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं आसानी से। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह की हमारी वेबसाइट है। अब इसको हम एडिट और फुटर चेंज करें, तो इसमें कस्टमाइज पर हम क्लिक करेंगे ऊपर। और यहाँ पेन के निशान पर क्लिक करके आप चाहे जो जैसे चेंज कर सकते हैं, लोगो हुए या प्राइमरी मेन्यूज हुए, वो आसानी से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो शॉप नाउ बटन है इसको भी आप चाहे तो, या फिर कोई लिंक URL है चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं।
ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे ये बटन्स है या मेन्यूज़ बार है, तो इनको आप चेंज करना चाहे तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे हम वापस इसमें अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो अगर पेजेस है, अगर पेजेस का आप सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का पेज है, तो इसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं जैसे एलिमेंटर टूल की मदद से। जब हमने डाटा इंपोर्ट किया था तो अभी पेज भी लोड हो गया था, तो इस कारण ये भी पेज को आप एडिट एडिट एलिमेंटर पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं आसानी से, जैसे जैसे अपने होम पेज में अपन ने किया था उसी तरह। और प्रोडक्ट्स में जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट हुए थे, तो इनको भी आप एडिट कर सकते हैं, प्राइजेस हुए जो भी हुए, तो उनको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, उनका सेटअप कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और होस्टिंग के लिए मैं आपको ब्लूहोस्ट रिकमेंड करता हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।